तो ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो गई थी, उसके बाद खुद पटना एसएसपी और पटना डीएम ने मोर्चा संभाला है दानापुर स्टेशन पर। और दानापुर स्टेशन पर देख रहे हैं कि एसपी और डीएम दोनों फ्लैग मार्च कर रहे हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो स्थिति है वो किस तरह से कंट्रोल की गई है, क्या क्या मशक्कतें आई हैं, कितनी हानि हुई है, किस तरह से उपद्रवियों को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। सर क्या हुआ है, पूरी जानकारी दीजिए सर। ये दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो आज उपद्रव हुआ है, लगभग 1500 की संख्या में लोग आ गए थे, तोड़फोड़ किए हैं, और इसको हम लोगों ने खदेड़ दिया है पहुंच करके, और लगभग एक दर्जन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है जो इसमें शामिल थे, और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोगों को भी हम लोग वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहा है, उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कितना क्षति हुई है? वो क्षति का आकलन रेलवे कर रहा है, रेलवे बताएगा आप लोगों को अलग से। नहीं, कुछ छात्र हैं और कुछ उपद्रवी तत्व भी इसमें शामिल है, उनकी भी हम लोग पहचान कर रहे हैं, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उन पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुख्ता इंतजाम यहाँ किया गया था, लगभग दो कंपनी हम लोगों ने फोर्स दिया था, रेलवे और जीआरपी की फोर्स थी, लेकिन लगभग 1500 की संख्या में लोग पहुंचे हैं और उपद्रव किए हैं, पूरी तरह से अनुशासन का परिचय नहीं दिए हैं, और बड़ी संख्या में भीड़ हो गई थी जिसके कारण ये स्थिति हुई है। लेकिन सभी को खदेड़ दिया गया है, पूरी तरह से हम लोगों ने सबको हटा दिया है, रेलवे स्टेशन अब हम लोगों के कब्जे में है, अरेस्टिंग एक दर्जन से अधिक लोगों की हुई है। हंगामा होने के बाद लगभग दो घंटे के बाद और भी प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है, अभी भी बहुत जरा अर्जेंटली हो रही है इंजन में, लेकिन कोई बुझाने की व्यवस्था नहीं की गई। हमने फायर ब्रिगेड की टीम है और रेलवे की भी टीम है लगी हुई है, बाकी बाहर हम लोग अभी विधि व्यवस्था का संधारण कर रहे हैं। नहीं, फोर्स तो सुबह से दी हुई थी, फोर्स यहाँ दो कंपनी थी, नहीं दो कंपनी फोर्स थी, एसडीओ और डीएसपी सभी लोग यही थे, वो रेलवे के लोग बताएंगे, उनसे पूछिए। थैंक यू। बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण में है, सबको खदेड़ दिया गया है। जो अग्निपथ योजना को लेकर जो छात्रों का और जो आर्मी के अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स, उनका विरोध चल रहा है, तो आज पटना जिला में मल्टीपल जगह पे एजिटेशन हो रही थी और दानापुर में सबसे बड़ा केंद्र था यहाँ पे एजिटेशन का, तो यहाँ पे जो स्थिति को कम्प्लीटली नियंत्रित किया गया है, तकरीबन एक दर्जन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की वीडियोग्राफी की गई है, और सख्त से सख्त कार्रवाई करके जिन लोगों ने भी वैंडलिज्म किया है, पब्लिक जो हमारी संपत्ति है इसको नुकसान पहुंचा है, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसके पीछे जो भी इनके इंस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने इनको भड़काया है, उनका बहुत से लोगों को हम लोगों ने पहचान की है, चार लोग उनमें से भी पकड़े गए हैं, और बाकी लोगों को पकड़ के और जबरदस्त कानूनी कार्रवाई लोगों के ऊपर की जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में ये जो पब्लिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं। देखिए आज हर सब डिवीजन, हर एक थाना, हर एक जगह पे एजिटेशन हो रहा है, पर्याप्त बल हर एक जगह पे उपलब्ध करवाया गया था, दानापुर के अतिरिक्त बहुत सी अलग जगह पे, जैसे डाक बंगला चौक भी है, पालीगंज भी है, फतवा भी है, सब जगह पे एजिटेशन का कॉल था, हर जगह पे फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, क्योंकि ये जो एजिटेशन है पूरे जिला में हो रही है, उसी के हिसाब से हर जगह पे जो हमारे पास फोर्स को देखा। सर दानापुर जो एसपी धीमाल साहब, उन्होंने फ्रंटलाइन से जो है, लेकिन उनको भी कम संख्या में जो है फोर्स मिले। देखिए, इसके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट, फोर्स की एक संख्या सीमित होती है, फोर्स की संख्या सीमित होती है, और आज फोर्स हर जगह पे कमिटेड है, और उन्हें अपने पूरे जितना उनके पास पर्याप्त बल और संसाधन था उसका सदुपयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। हाँ, तकरीबन आधा दर्जन लोग आए हैं, छात्र आए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए, पहले जो दानापुर का एरिया था वहाँ, उसके बाद यहाँ के लिए निकले, तो वहीं पे रोकना क्या सही नहीं होता? वहाँ पर भी प्रयास किया गया था, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा। ठीक है, धन्यवाद।